आज मैं आपको घर पे ही वैक्स करना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने सिर्फ तीन चीजें यूज करी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और तीनों इंग्रेडिएंट बिल्कुल नेचुरल है। फर्स्ट मैंने लेमन यूज करा है, जो बहुत ही नेचुरल है एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, जो हमारी स्किन को इंटरनली क्लीन करती है। देन मैंने शुगर लिया है, जो बहुत ही अच्छा है। देन मैंने शुगर लिया है एक कटोरी, लगभग 4 टेबल स्पून यूज करा है मैंने शुगर, जो बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी बना देती है, बिल्कुल वैक्स की तरह। एंड मैंने ये हनी लिया है, शहद बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज करता है स्किन को और बहुत ही नेचुरली आपकी स्किन को नरिश करेगा, जो वैक्स के लिए बहुत ही बेटर है। वैक्स करने के बाद बहुत ही लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, इसलिए मैंने ये शहद यूज करा है, ताकि डायरेक्ट हमारी स्किन मॉइस्चर भी होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने कैसे वैक्स में कन्वर्ट किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम पैन रख दिया है, ऐसे बर्तन में बनाना अच्छा रहता है। मैंने 1 कप पानी लिया है, ज़्यादा पानी नहीं लीजिएगा, क्योंकि हमें थिक कंसिस्टेंसी बनानी है, तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। देन मैं इसमें चीनी मिक्स कर रही हूँ, 1 कटोरी चीनी ली है मैंने। अब मैं इसको अच्छे से घोल लूँगी, देखिए मेल्ट हो चुका है और एक बॉईल भी आ चुका है अच्छा खासा। अच्छे से मिक्स करके इसको मतलब एक पतली सी चाशनी बना लीजिए अभी। देन मैं अब मैं इसमें शहद ऐड करूंगी। दो टेबल स्पून मैंने शहद लिया है। हनी बहुत ही अच्छा होता है, इंटरनली हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है एंड अच्छी कंसिस्टेंसी बनाएगी ये भी, तो इसलिए मैंने यूज़ करा है। सो आप देख सकते हैं अच्छे से ये उबल रहा है, अच्छे से ये इसमें घुल जाएगा। इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो आप थोड़ा पेशेंसली इसको चला के बनाइए। ये मेरा शहद यहाँ पे थोड़ा जम गया था, तो यहाँ पे मेल्ट आउट हो रहा है। ये देखिए कितना अच्छे से बन गया है, बिल्कुल वैक्स की तरह लग रहा है ये। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब ये बॉईल हो तब आपको नींबू डालना है और इसको पकाना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं। यहाँ पर मैंने वैक्स बनाया है आपके सामने, वो कोई भी लूज पाउडर आप ले सकते हैं, कोई भी टैल्क ले सकते हैं, एंड स्ट्रिप्स ली है, आप जींस की पट्टियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, सो ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे स्ट्रिप्स यूज करी है, ये देख सकते हैं मेरे बाल यहाँ पे पूरे घने एकदम जमे पड़े हैं, काफी टाइम से मैंने वैक्स नहीं करी थी। यहाँ पे मैं किसी की हेल्प ले रही हूँ, ये मैंने बटर नाइफ यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर, उसी से बहुत इजीली हो जाता है। बटर नाइफ भी ना हो आपके पास तो आप चम्मच भी यूज कर सकते हैं, उसको उल्टा पकड़ के कर लीजिए। यहाँ पे मैंने वैक्स लगाया है, यहाँ पे आप ध्यान देना, जिस जिस डायरेक्शन में आपने वैक्स लगाई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको खींचना है, पुल करना है। सो इजिली यहाँ पे मेरे बाल सारे निकल गए हैं, एक एक बाल यहाँ पे मेरा निकला है, बिल्कुल क्लियर हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, पहले पाउडर लगा लीजिए, अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए, इससे बाल आसानी से निकल जाते हैं, स्प्रेड हो जाता है वैक्स पूरा इजिली और बालों में खिंचाव नहीं आता है। आप थोड़ी गर्म वैक्स ही लगाइएगा, क्योंकि थोड़ी गर्म वैक्स इजली बालों को इंटरनली निकालती है, ज्यादा ठंडी और मोटी वैक्स बालों को खींचती है और बालों को तोड़ के निकालती है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यहाँ पे बहुत ही पेशेंसली आपको वर्क करना है और बहुत ही आराम से वैक्स को लगाइएगा, ज्यादा गर्म मत लगाइएगा, स्किन जल भी सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वैक्स हो गई है, मैं इस स्प्रे बोतल से थोड़ा पानी कर देती हूँ, ऐसे ऐसे ये क्लीन हो जाएगा, गीले टॉवल से भी कर सकते हैं।
ऐसे टॉवल से पोंछ लीजिए, वाइप आउट हो जाता है अच्छे से, सारा हट जाता है इजिली। ये मैंने साफ कर लिया। आप कोई भी बॉडी लोशन लेके इसको थोड़ा सा लगा लीजिए, हैंड पे लगा लीजिए, एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। एंड बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है स्किन। नींबू डाला है मैंने, नींबू मैंने इसमें मिक्स करा है, उससे मुझे बहुत ही अच्छा ग्लो मिला है एंड मेरी टैनिंग सारी निकल गई है। देख सकते हैं आप कितना क्लियर हो गया है मेरा हाथ। और मैंने पूरा लगा लिया अच्छे से। मैंने अपने अंडर आर्म्स भी करे थे बहुत अच्छे से, इजिली इसने सारे बाल रिमूव कर दिए हैं, एक एक बाल निकाल दिया इंटरनली वैक्स। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको जरा सी भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, एंड मेरे चैनल पर नए आए तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी मुझे बहुत 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 ज्यादा मोटिवेट करेगा मुझे नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए, बनाने के लिए। सो गाइज, टिल देन बाय बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।